अभी हम देखने वाले हैं तीन डिजिट का स्क्वायर कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, ए मानना है, इसको बी और इसको क्या करना है सी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देते हैं, ए का स्क्वायर देते हैं, ए का स्क्वायर यानी तीन का स्क्वायर कितना होता है 9। फिर उसके बाद ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए यानी 3, बी यानी 2, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसका क्या करेंगे, डबल करेंगे, ठीक है। 3 × 6, 6 × 12, 12 का क्या करेंगे हम 2 लिखेंगे, कैरी क्या है 1, कैरी 1। फिर उसके बाद में ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसका क्या करेंगे, डबल करेंगे, ठीक है। 3 × 3, 3 × 6, और इसका क्या करेंगे, बीच में का बी का क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, बी का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो 3 × 3, 3 × 6, 2 × 4, 6 × 4, 10, 10 × 1 कितना होता है 11, 11 का क्या करेंगे हम एक लिखेंगे और ऊपर कैरी 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, बी और सी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोबारा, बी और सी कितना है, बी और सी बे एकम बे और उसका डबल करेंगे, बे एकम बे, बे दूनी 4, 4 × 1 कितने होते हैं, रिमेनिंग 1, 5, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, सी का स्क्वायर लेंगे, तो सी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, सी का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर यानी कितना होता है 1, यानी हमारा क्या होगा फाइनल आंसर 15129, हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। उसी के साथ ए भी वैसे ही करेंगे हम, इसका ए, इसको ए मानेंगे, इसको बी और इसको क्या करेंगे, सी मानेंगे। सबसे पहले हम किसका स्क्वायर लेते हैं, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर उसके बाद में ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसका क्या करेंगे, डबल करेंगे, बे चौक 8, 8 × 16, 16 के 6 लिखेंगे, कैरी 1 लिखेंगे ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और उसका डबल करते हैं, 3 × 6, 6 × 12, ठीक है, 12 मिल गए। और इसका बी का क्या करेंगे हम, बी का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, 4 × 4 = 16, 16 + 12 कितने हो गए 28, 28 + 1 कितने हो गए 29, 29 का 9 लिखेंगे ऊपर कैरी में 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सी और बी का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसका क्या लेंगे, डबल लेंगे, ठीक है, 3 × 12, 12 × 24, 24 + 2 क्या करेंगे, इसमें 2 मिलाएंगे, 24 + 2 कितने हो गए 26, 26 का 6 लिखेंगे, कैरी 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आखिरी स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे यानी सी का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 × 2 कितने होते हैं 11, ठीक है, हमारा क्या होगा आंसर 11, 11 = 6964, हमारा क्या होगा, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है, 342 का स्क्वायर होगा। वैसे ही इसका भी देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको ए मानना है, इसको बी मानना है और इसको क्या करना है, सी मानना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर लेते हैं, ए का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसका क्या करेंगे, डबल करेंगे, 5 × 15, 15 × 30, 30 × 0 लिखेंगे और ऊपर क्या करेंगे, 3 कैरी करेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसका डबल करते हैं, ठीक है, और उसमें जो रिमेनिंग बचा हुआ है पार्ट उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखते हैं इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके उसे डबल करेंगे, 4 × 12, 12 × 24, 24 और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 24 और 25 कितने होते हैं 49, 49 और ये 3 कितने होते हैं 52, ठीक है, 52 का 2 लिखेंगे और इसका कैरी कितना है 5, ठीक है। फिर उसका उसके बाद में हम क्या करेंगे, सी और बी का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसका क्या लेंगे, डबल देंगे, ठीक है, 5 × 20, 20 × 40, 40 × 5 कितने होते हैं 45, 45 × 5 लिखेंगे, कैरी 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आखिरी स्टेप में हम क्या करते हैं, सी का क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 16 और प्लस कितने बचे हमारे पास में 4, 16 और 4 कितने होते हैं 20, 20, 52 और 09 ये हमारा क्या होगा स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा 453 का स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है, 644 का हम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, इसको 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 ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, ठीक है।
फिर सबसे पहले ए का स्क्वायर देंगे, चार का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का 6 लिखेंगे कैरी 1, फिर उसके बाद में ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका डबल देंगे, चार चौक 16, ठीक है, चार चौक 16, 16 का डबल कितना होता है 32, 32 और ये 1 कितना होता है 33, ठीक है, 33 का 3 लिखेंगे और कैरी क्या करेंगे हम 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ए और सी का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन देंगे, फिर उसके बाद में उसका क्या करेंगे ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में उसका डबल देंगे, ठीक है, इसका डबल लेने के बाद में बीच में जो बी है बी का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 6 × 4 × 6 × 4 कितना होता है 24, 24 का डबल कितना होता है 48, ठीक है, तो 48, फिर इसका 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, तो 16, 16 और ये 3 कितने होते हैं 19, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में कितना आता है 67, तो 67 का हम क्या करेंगे 7 यहाँ पर लिखेंगे और सिर्फ क्या करेंगे कैरी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में बी और सी का क्या करेंगे हम, बी और सी का हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन देंगे और उसका क्या करेंगे डबल देंगे, 6 और 4 का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन 6 × 4 कितना होता है 24, 24 का डबल कितना होता है 48, ठीक है, 48 और 6, ठीक है, कितना होता है 54, 54 भी हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे और 5 कैरी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम सी का क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, तो सी का स्क्वायर कितना होता है 36 और 5 कितना होता है 41, ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे 105, 115 और 205 का निकालने के लिए सबसे पहले हमने, इसके पहले हमने दो डिजिट का स्क्वायर लिया था, उसमें हमने 5 के लिए जो ट्रिक्स देखी थी यहाँ पर भी वैसे ही हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 5 5 5 5 इसको ए और 20 को बी मानेंगे, इसको 11 को बी मानेंगे, इसको 10 को क्या करेंगे हम बी मानेंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 10 के बाद में कौन सी संख्या आती है 11, 10 × 11 कितना होता है 110, 110 ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर इसमें भी देखेंगे, इसको ए मानेंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर उसके बाद में 11 के बाद में कौन सी संख्या आती है 12, ठीक है, तो 12 × 12 × 11 कितना होता है 231, ठीक है, 123, ठीक है, 13,225 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में इसका भी देखेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, 20 के बाद में कौन सी संख्या आती है 21, तो 20 × 21 करना है, ठीक है, 20 × 21 कितना होता है 420, ठीक है, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो हमने अभी क्या देखा है 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने देखा, ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखने वाले हैं 4 डिजिट का स्क्वायर वो कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं।